नमस्कार, JNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, मान्यता प्राप्त बाल गृह शिशु संस्थान पर सरकार का नहीं है कोई ध्यान। स्थानीय लोगों के सहारे चल रहा बाल गृह आश्रम। प्रतापगढ़ जिले के शुक्लपुर ग्राम में राम उदित सेवा संस्थान शिशु बाल गृह के प्रबंधक कमलाकांत शुक्ला का कहना है कि यहां पर सरकार की तरफ से कोई सुविधा एवं सहायता उपलब्ध नहीं है। मान्यता प्राप्त मानक के अनुसार हम अपने बजट को प्रतिवर्ष बनाकर आवेदन करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई है। सामाजिक लोगों से और परिवार के सहयोग से यह संस्था चल रही है। संवाददाता आनंद मिश्रा, JNI न्यूज, प्रतापगढ़। नमस्कार, मैं आनंद मिश्रा, JNI न्यूज चैनल से। मैं इस वक्त हूँ प्रतापगढ़ के शुक्लपुर ग्राम में बाबा राम उदित सेवा संस्थान में। यहाँ पे अनाथ बच्चों का जो है सेवा की जाती है। जो भी अनाथ बच्चे होते हैं यहाँ पे उनका पालन पोषण किया जाता है। और ये संस्था 2010 से यह संस्था चल रही है और 2018 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। सरकार से मान्यता प्राप्त हुई है 2018 में, लेकिन सरकार से अभी शासन से कोई इनको सुविधा नहीं मिली है। हम आइए मिलते हैं जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जो अध्यक्ष हैं, ये सेवा संस्थान जो चला रहे हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। सर, ये बताइए सर कि क्या आपको सुविधा यहाँ से कुछ मिलता, सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली है कि नहीं मिली है, या सामाजिक सुविधा क्या मिली है? सरकार से हमें कोई सुविधा नहीं मिली हुई है। अब यहाँ पर जो प्रतापगढ़ के कुछ ऐसे महान भाव हैं कि उन लोगों के सहयोग से, उन लोगों का जो हमें सहयोग मिलता है उसी सहयोग से और पारिवारिक सहयोग से ये संस्था, जो हमारी संस्था के जो कमेटी मेंबर हैं वो लोग कुछ चंदा लगाकर इस संस्था को अभी तक चला रहे हैं, पर सरकार द्वारा अभी तक हमें किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिला है। अच्छा अच्छा सर, तो सर कितने बच्चे आप यहाँ, अभी तो 4 बच्चे हैं फिलहाल, अब तक कितने बच्चे आप यहाँ से एडॉप्ट करा, जो गोद मतलब दे चुके हैं, और जो है कितने बच्चे लगभग यहाँ पे रहे, क्या संख्या रही है उनकी? अभी हम यहाँ पर टोटल हमारा 2018 से जी, और जब सरकार ने जब से मान्यता लिया है तब से हम 37 बच्चों की सेवा कर चुके हैं। अच्छा। 37 बच्चों में से हमने अभी 12 बच्चों को, जो 10 साल की उम्र के लगभग थे, जी, उन लोगों के माता पिता से मिला चुका हूँ। और उसके बाद हम जो है 4 बच्चे अभी संस्था में बाकी हैं और सारे बच्चों को हमने एडॉप्ट दे चुके हैं। और हमारे एडॉप्ट जो बच्चे यहाँ से गए हैं, और आजमगढ़, महाराष्ट्र, केरला, स्पेन, और आपके गोंडा, कानपुर, लखनऊ, ऐसे ऐसे शहरों में हमारे यहाँ, और वो भी जो बच्चे हमारे जाते हैं वो कोर्ट द्वारा जाते हैं, फैमिली कोर्ट के जज के सामने पेश करते हैं। और इसका एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए रहते हैं उनका नंबर आता है, गवर्नमेंट द्वारा ही वो लोग आते हैं लेने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, गवर्नमेंट का आर्डर आता है, उनको एक कागज़ मिलता है, उस कागज़ को लेकर संस्था में आते हैं तो उनको बच्चा दिया जाता है। अच्छा सर, तो सर जो पैसा सामाजिक स्तर से आपको मिलता है सर, उसमें जैसे पूरा नहीं हो पाता होगा खर्चा, तो तब क्या करते हैं आप? जब हमें पारिवारिक और जो बाहर के लोग सहयोग देते हैं उससे पूरा नहीं पड़ता है, तो हमारी कमेटी जो गठित की गई है वो कमेटी हमें संस्था को लोन टाइप में देती है। वो ये कह कर देती है कि जब आपका फंडिंग या सरकार द्वारा कोई सहयोग मिलेगा तो हमारा पैसा रिटर्न करिएगा। उन लोगों का इस तरीके का सहयोग मिलता है। अच्छा अच्छा सर, तो सर क्या मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जैसे जैसे तमाम सेवा संस्थाएं चला रहे हैं, तो सर उनसे क्या अपील करना चाहते हैं सर कि आपको क्या मदद की जाए? मैं यही अपील करता हूं कि आज हमें किसी प्रकार का सहयोग सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है जी, और तभी भी हम संस्था चला ही रहे हैं। यदि सरकार द्वारा संस्था ये सहयोग मिलेगा तो हम इस संस्था को और भी डेवलप कर सकते हैं और लोगों तक इसकी मतलब सेवा के भाव में और लोगों तक जानकारियां दे सकते हैं। और हम और भी डिस्ट्रिक्ट जहां पर ऐसी संस्थाएं नहीं हैं छोटे बच्चों की पालन पोषण करने वाले, तो वहां के भी बच्चे हम अभी हम प्रतापगढ़ ज़िले के ही बच्चे केवल पालते हैं। और यदि हमें सरकार द्वारा फंडिंग मिलना चालू
हो जाएगा, तो हम ये आश्वासन देता हूँ कि हम आरी बगल जितने भी जिले हैं और जहाँ पर ऐसे बच्चों की व्यवस्था के लिए नहीं है कोई समाज सेवक, तो हम वहाँ के भी बच्चे अपने संस्था में पालेंगे, पोसेंगे और उनकी सेवा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी का कहना है, जो संस्था चला रहे हैं, कि इनको अगर सरकार से कोई सुविधा मिलेगी तो ये और बेहतर और जो है बढ़िया से सभी बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण होगा और इनका जो है ये संस्थान जो चल रहा है बहुत आगे तक जाएगा। मैं आनंद मिश्रा, JNI न्यूज़ चैनल, प्रताप।